फ्राई करने लग गई सब्जी है? सब्जी फ्राई करने लग गई है। ये क्या सलाद? ये सलाद ये छील के रख देना, पानी में भीग जाएगी तो तब तक सही रहेगी। इसमें मसाले हैं शायद, है ये वाला मसाला इसके लिए मिक्स वेज आदि के लिए ना। हां हां ये अलग से इसमें डाल के रख, सब जाके भीगता भी है वो, नीचे भीगता नहीं। हां हां अच्छा ये पीसने वाला मगर आज मेरे घर नीचे की पूरी है। अच्छा नीचे पड़ी है ना, उसमें हमारे वाले में वही दिखती थी ना जो उस दिन मैंने पीसी थी। हाँ ऊपर से दिखती थी। हाँ, मैंने कुछ डाली इसमें कल, वो नीचे से डाली मैंने। ये हमारा प्याज उगला था ना, इसमें प्याज नहीं है। अच्छा नहीं पड़ेगा ना यहाँ, प्याज ना करे थे दीदी, नहीं तो प्याज तो मंगाया था परसों। प्याज हाँ प्याज लिखा था उसमें, मैंने देखा ना। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल रूपा सुयाल ब्लॉग्स में। दोस्तों अभी सुबह के 9:30 बज रहे होंगे और मैं अभी तैयार होकर आई हुई हूँ ऊपर दीदी लोगों के खेत में। तो आज मेरे को मेरी भांजी मिली हुई है कैमरा पकड़ने के लिए। मैंने कहा कि आज थोड़ा हम हरे भरे खेतों से ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और सुबह से हम लोग लगे हुए थे वहाँ खाना बनाने का जो काम चल रहा है, वहाँ थोड़ा बहुत दादा की हेल्प करी। और दीदी ने कहा इस बार आज मेरी खेत भी दिखा दे, थोड़ा यहाँ की ग्रीनरी दिखा दे। पीछे एक बार कैमरा करो, दीदी भाग रही है थोड़ा दूर दूर। और इधर साइड को कुछ ऐसा लग रहा है, यहाँ सारा धनिया ही धनिया लगाया है दीदी ने। मैंने 2-3 रील दीदी के वाले खेत में बनाई, मैंने ये सारा खेत कुचल दिया है आज। और अब हम चलते हैं उधर साइड को जहाँ खाना बन रहा है, आप लोगों को पहले वहीं ले चलती हूँ। और उसके बाद थोड़ी देर बाद से मेहमान आने स्टार्ट हो जाएंगे। वैसे तो बुआ लोग कल ही आए हुए हैं, लेकिन जो खाना पीना जिन लोगों के लिए हो रहा है, सभी लोग रामगढ़ वाले, वो लोग अभी थोड़ी देर बाद आने शुरू हो जाएंगे। तो आप लोगों को ले चलते हैं बगल में जहाँ दादा खाना बना। आंगन भी सुबह सुबह लीप रखा है, पूरा पोछा लगाया, जैसे हम लोग पोछा लगाते हैं वैसे दीदी ने अपने आंगन में पोछा लगाया है। और हाजरी के फूल यहाँ थोड़ा बहुत अभी बचे हुए हैं। और ये रहा किसका, मधुमक्खी का, हाँ मोन का वो छत्ता। इनमें का शहद तो शायद उन्होंने ही खुद खा लिया ना दीदी। हाँ। सारा शहद उन्होंने खुद खा लिया है, आधे से ज्यादा हाजरी नीचे लगी हुई है। अब हम चलते हैं पीछे वाले घर में, पुराने वाले घर में ले चलते हैं आपको। यहाँ पे सब्जी का कार्यक्रम चल रहा है, ये सब्जी बन रही है और उधर पनीर फ्राई हो रहा है। अंदर साइड दादा पनीर बना रहे हैं, पनीर की ग्रेवी तैयार कर रहे हैं। दिख रहा है इसमें साफ, तो सही है ये है। और इसमें चाय है ना, हाँ मस्त बनी है चाय। अमूल वाला यूज करा तुमने है? अमूल दूध डाले। हाँ हाँ इसमें रायता बन गया है, उसके अंदर चटनी है, तो सब चीज़ें बन गई हैं, चावल और पूरी बनना बाकी है। तो दोस्तों यहाँ पे खाना लगाने की तैयारी चल रही है, इसी जगह में खाना लगाया गया था। और मैंने यहाँ पे अभी निक्की को भेजा था कैमरा लेके, मैंने कहा कि आप थोड़ा सा वीडियो बना लाना। और यहाँ पे दादा को पता भी चल गया था कि मैंने भेज रखा है, बोल रहे ब्लॉग बन रहा है वाले यहाँ। और ये है हमारे जमाई राजा, तो ये लोग लगे हुए थे काम पे। और ये जो ब्लू स्काई ब्लू टी शर्ट वाले हैं, ये हमारी बुआ के बेटे हैं। और यहाँ पे वेदू का हल्ला चलने में लगा था। और सारी राम ठीक हो? हाँ बढ़िया, प्रणाम। आप ठीक हो? प्रणाम बुरी है, प्रणाम। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। कोई नहीं घेरेगा, घेरेगा भी तो कपड़ा घेरेगा। अरे वैसे भी
घिसती गई धड़कन मुझे बुला रहे मेहमान भी पधार चुके हैं, बड़े दूर से आए हैं। प्रणाम। हुआ प्रणाम? हाँ बढ़िया बढ़िया। तो दोस्तों अभी बगल में सब लोगों का खाना पीना चल रहा है, जो भी आदमी लोग आए हुए थे उन लोगों ने सभी ने खाना खा लिया है और अब बची है थोड़ा बहुत औरतें, तो सब खाने लग गए हैं। सबसे डरी और जितनी भी बहुएं हैं अगल बगल वाली वो भी सब लोग खाने लग गए हैं मेरे अलावा, मुझे छोड़ दिया है इन लोगों ने। यहाँ पे मेरी दो भांजी लोग बैठे हैं, दोनों ने मैचिंग कलर के कपड़े पहने हैं और अपना मुंह छिपा रही थी, मैंने इसलिए ज़बरदस्ती दिखाया क्योंकि हमेशा मुंह छिपाती है अपना, थोड़ा थोड़ा दिखे तुम। और अभी फ़िलहाल मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला क्योंकि मेरे तीसरे नंबर के जेठ अभी जा रहे हैं, मैंने सोचा उनसे मिल लूँ और थोड़ा एक बहाना मिल जाएगा व्लॉग बनाने का। अभी मैं वहाँ जाऊँगी, तुम लोगों ने खाना खा लिया? तो अभी मैं वहाँ जाऊँगी, खाते वक्त का तो व्लॉग शायद ही बना पाऊँ, और मैं अकेले बची हूँ, मेरे साथ के लिए कोई है भी नहीं। अभी फिलहाल ऊपर चलते हैं, मामा ऊपर ही होंगे ना? पता नहीं मेरे को, हम मम्मी का फोन आया था ना, वो जा रहे हैं, मैं इनको निकालती हूँ पहले यहाँ से डिब्बे। सबके सब टूट पड़े और मेरे को छोड़ दिया। हंसी दी दोस्तों, खाना तो मैं खा के आ गई हूँ और अभी मैं आई हुई हूँ पानी गर्म करने के लिए। बुआ लोग जा रहे हैं तो बुआ ने बोला थोड़ा बहुत पानी मैं ले जाती हूँ, करके उनको गाड़ी में ज़रूरत होती है तो पानी वानी गर्म करते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं बुआ लोगों के पास और उनको टाटा बाय बाय करते हैं। पंडित जी अपना झोला झंडी लेके दो दो पंडित जी को दो दो झोले दे दिए, ले जा दो रामगढ़ तक। तो ये सारा सामान जा रहा है पंडित जी का जो चाचा के नाम पे आ दिया हुआ है। तो फाइनल होने लग गया है, अब तो दोनों खाने लग गए हैं खाना। गौरव से आपको देखो कितने अच्छे से खाने लग गया। दोस्तों अभी आई हुई हूँ मैं चाची लोगों के खेत में, तो यहाँ से मैं थोड़ा बहुत पालक ले जा रही हूँ क्योंकि मेरे बड़े वाले जेठ जी ने बोला कि मेरे लिए पालक ले के आ करके, इनके यहाँ बहुत ज़्यादा हरी सब्जी हुई है ना, तो उन्होंने कहा थोड़ा बड़ा बड़ा वाला जो है मेरे लिए भी ले आ करके। अब मैं पालक तोड़ती हूँ, फिर दादा लोग भी जाने वाले हैं। दीदी लोगों के जाने के बाद बगल में चाची लोगों के यहाँ थोड़ा बहुत बर्तन धोने थे, वो हम लोग धो के आए। जो बड़े बड़े जो बर्तन थे वो तो एक नेपाली भाई लगाए हुए थे, उन्होंने ही धोए, लेकिन थोड़ा बहुत जो घर के बर्तन होते हैं वो हम लोग धो के आए अभी। और घर आने के बाद मैंने अभी रख रखी है चाय और वेदू को दे दिया है दूध,
तो चाय पीते हैं और शाम के खाना बनाने की तैयारी करते हैं। चाची लोग बोल रहे थे कि खाना दिन में का रहा है करके वही ले जाना, लेकिन दिन में के टाइम पे ही मुझे पनीर खा के थोड़ा अजीब अजीब सा हो रहा था, पनीर बहुत टाइट सा लगा मुझे, तो मैंने सोचा कि नहीं खाएंगे, बार बार वही खाना नहीं खाएंगे, शाम को कुछ सब्जी बनाएंगे हम लोग। तो देखते हैं क्या बनता है आज। और अभी फिलहाल मैं चाय बना लेती हूँ। और मेरे जेब आज मतलब फल और मिठाई वगैरह की इतनी ज़्यादा यहाँ पर भंडार लगा हुआ है, मैंने आधे से ज़्यादा तो अपने जो लोहाली में जो जेठ रहते हैं उनके साथ उनके हाथों मैंने वहाँ भिजवा दिया था, मैंने कहा आप ले जाओ करके। और जो नेपाली भाई बर्तन धोने के लिए आए हुए थे उनको भी मैंने थोड़ा बहुत फल दे दिए थे, और अब थोड़ा बहुत बचे हुए हैं जो कल परसों तक वो भी निकल जाएंगे। और ये मिठाई मेरे जेठ जी लेके आए थे, तो जेठ जी की लाई हुई मिठाई यहीं रखी है मैंने, और सारी मिठाइयाँ मैंने भेज दी थी। तो यहाँ आज मेरी बुआ की सास भी आई हुई थी, वो हमारी छोटी चाची जो है ना, मतलब जिनके जिनके हस्बैंड की बारसी थी, मतलब जो चाचा की बारसी थी, वो वाली चाची की सगी चाची हुई, जैसे ये मेरी चाची है और वैसे ही मेरी बुआ की सास उनकी चाची है, तो वो भी आई हुई थी, वो भी मेरे लिए मिठाई लेके आए थे। तो परसों से मेरे लिए मिठाई के डिब्बे ही आने में थे, और मेरा पूरा किचन भरा पड़ा है, और मुझे पसंद है नहीं ज़्यादा खाना ये सब चीज़ें। सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, दिन में थोड़ा बहुत खाना खाया, उसको खा के इतना अजीब सा हो गया, मैं क्या ही बताऊं। और अभी देखो कपड़े भी मैंने चेंज कर लिए हैं, और अब चाय पीते हैं, मम्मी अंदर से आवाज लगाने लग गई, तो पहले चाय पीते हैं फिर।